बैलेट ग्राउंड में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी की, बात कर रहे थे वाराणसी की, लेकिन प्रदेश में भी 5 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और इनकी अपडेट अब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। भरतपुर की अगर बात करते हैं तो भरतपुर के अंदर वोटिंग लगातार जारी है और इन सबके बीच पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह से बात की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहा जरा सुनिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में जहाँ जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है, वहीं दिल्ली से चलकर विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह भी आज भरतपुर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया है। हमारे साथ मौजूद हैं नटवर सिंह, हम उनसे बात करते हैं। नटवर सिंह जी, क्या लगता है आपको, ये जनता जो अब जगी है, क्या परिवर्तन की लहर आने वाली है? हाँ बिल्कुल आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहीं चले जाइए हिंदुस्तान में, वहाँ सब लोग कहते हैं बदलाव चाहते हैं। 10 वर्ष हो गए इस UPA सरकार को, उसको हटाना चाहिए, कोई दो बात नहीं है। और कांग्रेस की सीटें कम होंगी, काफ़ी कम होंगी, और BJP की वोट बहुत ऊपर जाएंगी, खासकर जो कि अब नरेंद्र मोदी जी उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। ये देखा गया है कि अब जो होर्डिंग लगाए गए हैं सिर्फ मोदी है, उसमें ना कोई भाजपा का जो संस्थापक थे अटल बिहारी, जो 1-2 सीट से लेकर 188 लाल कृष्ण आडवाणी की बात की जाए, उनके बिल्कुल पोस्टरों में से फोटो गायब कर चुके हैं। ये तो फैसला उनकी पार्टी का है, उनके लीडर का है, इस पर हम क्या करेंगे। अब देखिए, पहले जो आते थे कांग्रेस के पोस्टर, उनमें एक व्यक्ति का आता था। आपके एक विदेश मंत्री थे BJP सरकार में जसवंत सिंह जी, उनका टिकट काटा गया, जो 9 बार सांसद चुने गए थे भाजपा से, क्या ऐसा लगता नहीं है कि कार्यकर्ताओं की वास्तव में अपेक्षा की जाती है भाजपा में? अब देखिए, BJP ने, पार्टी ने, उनकी पार्लियामेंट बोर्ड ने खुद फैसला किया सोच साझ कर, अब मैं उसमें क्या टिप्पणी कर सकता हूँ, उनकी पार्टी का फैसला है। अब क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? नहीं, मैं कहना है कि सब निकलें और वोट दें। चलिए, तो पूर्व विदेश मंत्री को सुन रहे थे नटवर सिंह, जिनका कहना था सब बाहर निकलें घरों से और उसके बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो भरतपुर की हम बात कर रहे थे, अभी तक यहाँ 27% मतदान हो चुका है इन सबके बीच। दूसरी सीट की बात कर लेते हैं, टोंक सवाई माधोपुर सीट है लोकसभा की, इसमें भी मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान शुरू हुआ है और 11 बजे तक करीब 29% मतदान अभी तक हो चुका है। मतदान के प्रतिशत में लगातार सुधार भी हो रहा है। इस बार लोग ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो कि इलाके का विकास करे, रोजगार उपलब्ध करवाए, वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के यहां माकूल इंतजाम किए गए। हमारे सहयोगी रवि टेलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर मेरे साथ, उनसे बात करते हैं, उनसे जरा जानते हैं कि मतदान प्रतिशत और कितना आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। रवि, जानना चाहेंगे अभी तक कितना प्रतिशत मतदान और आगे बढ़ता हुआ दिखा है, जैसे कि बताया जा रहा है कि लगातार प्रतिशत में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। देखिए प्रगति, अभी तक की जो स्थिति है, पूरे टॉप लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 30% को मतदान को पार कर चुका है। वही कुछ ऐसे बूथ भी है जहां 55-65% का मतदान हो चुका है। अगर हम टॉक शहर के दो बूथों की बात करें तो 169-170 नंबर के ऐसे बूथ है जहां 11:30 बजे जो है वो 55-56% मतदान हो चुका था और वहां अभी भी कतारें लग रही है। रवि, इस सब के बीच ये भी जरा बताइए, जब आपने लोगों से बातचीत की, मतदाताओं से बातचीत की, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ जहन में है जब वो मतदान करने के लिए जा रहे हैं, और खासतौर पर जब पैराशूट उम्मीदवार यहाँ से उतारे गए हैं चुनावी मैदान में, उनको लेकर क्या कुछ सबके दिलों में चल रहा है? बाहरी उम्मीदवारों का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं अंतिम समय में जो है मतदान शुरू होने से कुछ दिनों पहले से गौण हो चुका है। लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा के नाम पर वोट कर रहे हैं और लोगों की प्राथमिकता ये भी है, क्योंकि ये क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, पिछड़े जिलों में इनकी गिनती होती है, तो विकास का भी जो एक मुद्दा है कि लोगों की मांग है कि रेल यहाँ आनी चाहिए, उद्योग धंधे चौक सवाई माधोपुर में लगने चाहिए। तो लोगों की यही मानसिकता है कि जो भी चुन के जा रहा है उसकी सरकार बने और सरकार में उसकी भागीदारी हो। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोग ये सोच कर मतदान कर रहे हैं कि उनका सांसद सरकार में बैठे ना कि विपक्ष में बैठे। जी बिल्कुल रवि। जी रवि, मैं विशाल बोल रहा हूँ, एक सवाल आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जगमोहन मीणा की मौजूदगी है वहाँ, उसको किस तरह से देखते हैं? जगमोहन जी की जहाँ तक बात की जाए, जगमोहन मीणा की, विशाल जी, तो उनके आने से मामला तिकोणा में बना था, मुकाबला तिकोणा में हो चला था, लेकिन पिछले 2-3 दिन की जो बात की जाए तो टोंक जिले के अंदर उनका प्रभाव नहीं नजर आ रहा है। जगमोहन मीणा जो है सवाई माधोपुर जिले की जो 4 विधानसभा सीटें हैं और उनमें से खास तौर से जो बामनवास और गंगापुर सिटी है वहां तक सिमट कर रह गए। तो ये जो मुकाबला जो पहले तिकोणा में नजर आया था वो अब ऐसा लगता है कि अजरुद्दीन और सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बीच मुकाबला बनता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ना रवि, कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आप मुकाबला वहां पर बता रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच आपसे जानना चाहेंगे, दरअसल दौसा की तस्वीरें हम देख रहे थे,
पीयूष लगातार वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं, कुछ इलाके ऐसे वहां पर दिखाई दिए जहां पर मतदान ना करने के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या कुछ ऐसी तस्वीर टोंक सवाई माधोपुर में भी देखने को मिल रही है या पुलिस फोर्स के, क्योंकि सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स इन्हीं इलाकों में है, मतदान करने में लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है? देखिए विजेंद्र, सुबह जो है दो मामले सामने आए थे, कुंडलिया गांव का था और एक झालरा गांव का था, लेकिन उनकी अपनी समस्या थी जिनको लेकर उन्होंने मतदान का बहिष्कार कर दिया था। लेकिन अब जो है वहाँ मतदान चालू हो चुका है और मतदान, अगर बात उन क्षेत्रों की जाए जहाँ वोटिंग पे बूथ कैप्चर किए जाते थे या लोगों को मतदान नहीं करने जाता था, तो इस बार जो पांच संवेदनशील जो जिले हैं, जो लोकसभा सीटें हैं, उनमें से टोंक सवाई माधोपुरी एक, सुरक्षा के जो माकूल इंतजाम है, जिस तरह से जो है पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान है वो बूथों पर एक से लेकर आठ तक की संख्या में तैनात है, तो समझा जा सकता है कि प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं कि लोग अपने घरों से निकले और निर्भीक होकर मतदान करें। जी बिल्कुल रवि, आपने बताया कि कुछ पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर 50% से ज्यादा मतदान हो चुका है। अगर 2009 की बात की जाए तो लगभग 53% के करीब टोंक सवाई माधोपुर में मतदान हुआ था। इस बार आंकड़ा कहां तक पहुंचता नजर आ रहा है, क्योंकि 20 सीटों पर जब मतदान हुआ तो लगभग 15% के करीब का इजाफा हुआ था। देखिए विजेंद्र, अगर 2009 की बात की जाए तो उस दिन जिस दिन मतदान होता था तो 39 डिग्री टेम्परेचर की भीषण गर्मी के अंदर जो है लोकसभा जो सीट थी उस पर 55.34% मतदान हुआ था। और इस बार जो है, क्योंकि अभी जो है 12 बजने का समय हुआ है, 11:30 बजे तक जो है 35% के लगभग मतदान पहुंचने जा रहा है। 2 घंटे का अतिरिक्त समय जो है वो मिला है मतदाता को, और कहीं ना कहीं आज जो है मौसम में ठंडक भी है तो लोग अभी भरी दोपहरी के अंदर भी घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। तो हो सकता है राजस्थान के अंदर जो इतिहास बनने जा रहा है तो टोंक लोकसभा सीट पर भी जो है अब तक का इतिहास और ऐतिहासिक मतदान हो। जी रवि, मैं विशाल बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने वहां पे बिल्कुल नए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुरिया पे दाव लगाया और कांग्रेस ने अजहरुद्दीन पर दाव लगाया, क्या वहां के जातिगत समीकरण है और क्या वहां विकास के मुद्दे हैं? विशाल जी, टोंक सवाई मधु लोकसभा सीट की बात की जाए तो पूरी तरह ये मतदान और जो ये चुनाव है जातिगत आधार पर लड़ा जा रहा है। यही कारण है कि भाजपा ने जहाँ गुर्जर जाति के लगभग 2,30,000 मतदाता है तो गुजरों पर दाव खेला, सुखबीर सिंह जौनपुरिया को जो है इम्पोर्ट किया गया, वहीं कांग्रेस ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को चुनाव में उतारा, क्योंकि 1,70,000 के लगभग जो है यहाँ पर अल्पसंख्यक मतदाता है। तो दोनों जातियों को जो ध्यान में रखकर जो है दोनों ही पार्टियों ने किया, वहीं राजप्पा ने भी उसी काम को किया कि जिस तरह से यहाँ 3.5 लाख मतदाता मीणा जाति का है तो उस आधार पर राजप्पा ने जगमोहन मीणा को यहाँ से उतारा। तो तीनों जो बड़ी पार्टियां हैं और BSP को भी इसमें शामिल किया जाए तो तीनों ही जो चारों ही पार्टियों ने है उन जातियों के प्रत्याशियों का चुनाव में उतारा है, जबकि ये जनरल की सीट है, इस पर जो है किसी ने एक ऐसे उम्मीदवार पर दाव निकाला जो यहाँ स्थानीय हो, जिसका प्रभाव हो, और चारों पार्टियां जो है बाहरी उम्मीदवारों के सारे अपनी नैया पार लगाना चाहती है, क्योंकि उनका मकसद यही है कि बड़ी जातियों के जो वोट बैंक है उनको अपने कब्जे में लिया जाए और कुछ जातियों के वोट को जोड़कर जीत का रास्ता तैयार किया जाए। जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रत्याशियों का चयन किया गया है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा। वैसे पिछले 15 जो लोकसभा चुनाव यहाँ हुए, 10 बार कांग्रेस जीती, 2 बार BJP, 2 बार जनता पार्टी और 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से विजयी हुआ है। और अब की बार विधानसभा चुनाव में देखा यह गया कि अच्छा खासा नुकसान कांग्रेस को यहाँ हुआ था, क्या मोदी लहर का असर इस बार यहाँ पर दिख रहा है? कहा जा सकता है प्रगति की मोदी लहर जो है वो कहीं ना कहीं आम जुबान पर उछली, जिस तरह का एक बड़ा कैंपेन देश के अंदर देखने को मिला उसका असर मतदाताओं के ऊपर भी नजर आ रहा है। आम जन की जुबान पर मोदी का नाम तो है लेकिन इसका कितना असर होता है ये परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा, जब 16 मई को परिणाम देखेंगे। क्योंकि विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उन चुनावों के अंदर टोंक के अंदर 8वीं जो विधानसभा सीट थी टोंक सवाई माधोपुर सीट की जो थी उन पर भाजपा ने कब्जा किया था, लगभग 1,92,000 वोटों की जो है 8वीं विधानसभा की लीड थी। तो कहा जा सकता है कि वो जो लीड थी जहां पर जो 8वीं सीट पर BJP ने कब्जा किया था तो उनसे कितना वोट आगे बढ़ता है, अगर मोदी लहर की बात की जाए तो 2 लाख से अधिक की क्या जीत हो पाएगी? जी बिल्कुल रवि, फैसला 16 मई को आ जाएगा, लेकिन ये सीट चुनाव से पहले भी चर्चा का विषय बनी रही क्योंकि दोनों ही जो उम्मीदवार हैं बेबाक और बहुत तीखे बयान इस सीट पर अपने विपक्षी के लिए दिए गए। अब रुक करते हैं दौसा सीट का, यहां पर मतदान के बाद लगातार किस तरीके से सारा माहौल बन रहा है, जनता यहां की क्या सोच रही है, इस बारे में जाना हमारे संवाददाता विमलेश ने, जरा सुनिए।
सब मैं तो नियम ही है भाई किस समय वोट डालूँ, तबियत भी ठीक सी है, कोई खास बात नहीं। ये सोच के जान लें कि भाई पानी होना चाहिए हमारे दोसा में तो जरूर, पानी होएगा तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बस पानी की मुद्दे की समस्या है और ये रिजर्वेशन का जो है ना आरक्षण, ये मुद्दा हटे तब तो वोट का मतलब है, अदरवाइज कोई वोट का मतलब नहीं है। दोसा की जो महिलाएं हैं वो पानी से काफ़ी त्रस्त हैं, क्योंकि दोसा में लगभग 72 घंटे में चंद मिनटों के लिए पानी आता है, जिसके चलते महिलाओं को इस समस्या का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इसलिए दोसा की महिलाएँ चाहती है कि यहाँ पानी की जो समस्या है उसका स्थायी समाधान किया जाए। विमलेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दोसा। चलिए, तो जैसे दौसा में मेरे सहयोगी विमलेश थे, लोगों से बातचीत की, मतदाताओं से बातचीत की उन्होंने, और जाना है कि उनका रुख क्या है, क्या कुछ वो सोचते हैं और क्या सोचकर वो मतदान कर रहे हैं। इन सबके बीच बता दें अपने दर्शकों को एक बार फिर से, 30% से ज़्यादा मतदान दौसा में हो चुका है और दौसा के अगर सियासी समीकरण को समझना है, वहाँ क्या कुछ चल रहा है ये कुछ जानना है, तो मेरे सहयोगी विमलेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर मेरे साथ, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। विमलेश, जैसा कि हम सुन पा रहे थे, जो महिलाएँ थीं जिनसे आप बात कर रहे थे, जो बुनियादी सुविधाएँ होती हैं वो तक मयसर नहीं है दौसा को अभी तक, विकास का मुद्दा अभी रहता ही नहीं है, जब भी चुनाव प्रचार होता है सिर्फ जातिगत आधार पर ही चुनाव प्रचार यहाँ होता हुआ दिखा है, क्या अब की बार लहर थोड़ी सी बदली हुई है, क्या अब की बार थोड़े से बदलाव देखने को मिले हैं? जी, चुनाव से कुछ दिन पूर्व तक यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे भी लोगों में चर्चा का विषय रहते हैं, स्थानीय मुद्दे भी चर्चा का विषय रहते हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार सभी मुद्दे रहते हैं, पानी की समस्या जो यहाँ की केंद्रीय समस्या है उसको लेकर के भी लोग अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन ज्यों ज्यों चुनाव चरम पर चढ़ता है, मतदान का दिन आता है, धीरे धीरे जातिगत समीकरणों के चलते या फिर जातिगत लहर के चलते लोग दो खेमों में बटे नजर आते हैं, उसी के आधार पर यहाँ ज्यादातर क्षेत्रों में मतदान देखा जा रहा है। कुछ शहरी मतदाता जरूर है जो कि स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के वोट दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से जो सूचना है हमारे पास आ रही है उसके आधार पर यहाँ पर वही जातिगत आधार पर 2002 के चुनाव के तर्ज पर एक बार फिर से मतदाता आमने सामने है और दो गुटों में बटी हुई नजर आ। विमलेश, मैं विशाल बोल रहा हूँ, सिकराय के टोड़ा में खबर आई थी कि वहां पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर रखा है और मुद्दा है वो विकास का है, बिजली पानी सड़क का है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, दौसा जिले की बात करें तो यहाँ पर 4 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी एक भी वोट नहीं डाला गया है, इसके किराए का टोड़ना भी है, इसके अलावा उदलवाड़ा में, बाढ़, लक्ष्मीपुरा, कुरवाड़ी, चांदिया, ये 4 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर मतदाताओं ने बहिष्कार किया हुआ है। इन लोगों की जो मांग है वो स्थानीय है कि यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं उसको लेकर के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया हुआ है। ये समझाने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा प्रशासनिक अमला भी पहुंचा, लेकिन लोग अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और अभी तक उन्होंने मतदान नहीं किया है। लेकिन विमलेश, आप कहते हैं कि दौसा में जातिगत समीकरण है वो हावी रहते हैं, जातिवाद है बड़ा मुद्दा है, यहाँ जो आपने बात की इन 4 जगहों की, वहाँ तो डेवलपमेंट, विकास है वो मुद्दा बन गया। बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो अपनी ग्रामीण समस्याओं को लेकर, अपनी स्थानीय समस्याओं को लेकर के मुखर होते हैं, चुनाव से पहले भी इन लोगों ने अपनी मांगों को लोगों के सामने रखा था, लेकिन उसका समाधान नहीं होते थे। आज आखिर सर इन्होंने मतदान के बहिष्कार का निर्णय लिया और वे अभी तक अपनी मांगों पर अड़ी है। हालांकि प्रशासन ने हर संभव कोशिश कर रहा है कि नहीं कैसे जैसे समझा बुझा के मतदान के लिए राजी कर लिया जाए, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं ताकि उन्हें अपने पक्ष में एक साथ मतदान करने के लिए तैयार किया जा सके। जो ग्रामीण है वो अपनी ग्रामीण पंचायत के तहत उन्होंने निर्णय लिया है और उसी के तहत वो अभी तक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जी विमलेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दौसा की तस्वीरें विमलेश हम तक पहुंचा रहे थे, यहाँ पर कुछ गांव ऐसे हैं जिन्होंने मतदान का बहिष्कार किया, ऐसे में हम अपील करना चाहेंगे कि आप मत का इस्तेमाल जरूर करें, जिसके खिलाफ आपको वोट करना है आप उनको वोट कर सकते हैं और आप नोटा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बैलेट ग्राउंड में। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हमारी महाकवरेज लगातार जारी।